मत बोले कि नाइट और दिन में क्यों आया करके, जो बचपन से इनके पास ही आके खाते थे। ये अपना कैमरामैन, सब में एक डिप मारो। इडली को पू इडली कितना सॉफ्ट है देखो, टमाटर चटनी फिर तिल का इस पे पाउडर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू और अनदर व्लॉग। आज हम आए मारिस नाइट स्टॉल, जो है यहाँ पर नाइट। अभी आप ये मत बोले कि नाइट होटल दिन में क्यों आया करके, ये नाइट होटल है जो आपको दिन या रात भर आपको खाना मिलता है। जैसे कि रात को 12:30 बजे तक ओपन ही रहता है, फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए बंद करते हैं सिर्फ क्लीनिंग के लिए, फिर उसके बाद वापस 2:30-3 o'clock में वापस रीओपन होता है। मतलब यहाँ पर हमें गाँव में, अभी से नहीं है, मैं जब बचपन में था, बच्चा था, तब तक यहाँ पे आते, तब से वहाँ पे यहाँ पे आके खा रहा हूँ। तो चलिए फिर अंदर जाके देखते हैं कैसा करके। यही है दुकान का नाम, देख लो। चलो, यही है हमारा अंकल जो बचपन से इनके पास ही आके खाते थे, तो अभी वापस आए इनके पास। என்னென்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்க அப்படியே, என்னென்னலாம் கிடைக்கும் சொல்லுங்க அப்படியே. தமிழ்லயே சொல்லுங்க. காலையில பொங்கல் இட்லி, பொங்கல் மிலேகா மார்னிங் மே இட்லி மிலேகா, பூரி பூரி, தோசை தோசா, ஸ்பெஷல் தோசை ஸ்பெஷல் தோசா, வாசம் தோசா, ஊத்தப்பம். அடுத்தபல மதியானம் ஆஃப்டர்நூன் மே தக்காளி சாதம், லெமன் சாதம், டொமேட்டோ ரைஸ், லெமன் ரைஸ், கர்ட் ரைஸ். அடுத்தபல நைட்டு इडली चपाती, रात को इडली चपाती मिलेगा, स्पेशल डोसा नाइस डोसा। आप नोट किए, रात को ही सिर्फ चपाती मिलता है, दिन में आपको चपाती यहाँ पे जल्दी मिलेगा नहीं, बिकॉज इट्स साउथ साउथ रॉक्स। चलो फिर अंदर जाते हैं, बैठते हैं और फिर क्या खाते हैं। टी कॉफी का ये भी देख लो आप। एक्चुअली मैं यहाँ पे टी कॉफी पीता नहीं है, यहाँ पे इन्हें टी कॉफी पीता ही नहीं है, उसके लिए अभी अभी उनको भी वेस्ट नहीं कराना चाहता हूँ। कभी टी कॉफी बनाई तभी वो वीडियो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो फिर अंदर बैठते हैं, कुछ क्या ऑर्डर करेंगे, अंदर बैठ के चॉइस करते हैं। चलो चलो, यहाँ पे क्लीनिंग भी चालू है। और क्या ऑर्डर करेंगे? चलो, केले का पत्ता आ गया। और खाने में क्या लेके करके देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे पीछे घूम के देख सकते हो क्या क्या है करके। और ऑर्डर क्या करें, फुल ऑफ कंफ्यूजन। बताओ, मैं ये अपना कैमरामैन और कौन है करके दिखाता हूँ। ये अपना कैमरामैन और ये अपना यहाँ पे टाइम पास करने वाला। ऑर्डर करना स्टार्ट करते, क्या डोसा, मसाला डोसा, पूरी भाजी, पूरी भाजी इधर आकर भी ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि कोई मेनू कार्ड वगैरह कुछ नहीं रहेगा, आपको जैसा आप उनसे पूछेंगे वो आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में उन्होंने बताया था कि आपके मॉर्निंग में क्या क्या मिलता है, आफ्टरनून में क्या क्या मिलता है और रात को क्या क्या मिलता है करके। तो अभी उसका अकॉर्डिंगली अपन को ऑर्डर करना होगा। अभी छोटा भाई ने तो बोला है कि इसको चाहिए डोसा और इसको चाहिए पूरी भाजी, तो मैं लेता हूँ इडली लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट। उसके बाद वो ट्राई करते है ना। और मसाला डोसा, अपरों और साइड पूरी, हाँ स्पेशल डोसा, नाइस इडली, पोंगल पूरी, पोंगल पूरी परमा சரி, அப்புறம் ஸ்பெஷல் தோசை போட்டுருங்க, அப்புறம் ஒரு செட் பூரி, அப்புறம் இட்லி வச்சுருங்க. சரியா, சலோ ஆர்டர் தேதிய ஸ்பெஷல் பண்ற, ஸ்பெஷல் லுக்கில ஸ்பெஷல் பண்ற, அப்புறம் அப்படி இட்லி. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरी के साथ कुछ भाजी नहीं है, पूरी के साथ आपको सांभर दिया है। पूरी को पहले तोड़ के उस पर सांभर,
फिर यहाँ पे कोकोनट का चटनी और टोमेटो चटनी, और इसको पोड़ी बोलते हैं तमिल में, तिल का पाउडर रहता है थोड़ा, इस पर मिर्च पाउडर और सब ऐड करते तो अभी स्पाइसी रहता। तो भाई का इस पर अपनी पहले टेस्ट करना पड़ेगा, उम्मीद चल। पूरी भजिया, फिर चटनी, इस पर सब में एक एक डिप मारो। इडली भी आ गया। इडली का पू इडली कितना सॉफ्ट है देखो, सेम कोकोनट चटनी एंड टोमेटो चटनी और तिल का पाउडर, ये सब यहाँ पे मैंडेटरी थिंग है। इसको ऊपर एडिशनल जो रहता है वो अलग है। अभी जो मैंडेटरी थिंग जो सांभार, इडली को इसे सांभार में डुबा के खाने का मजा ही कुछ और रहता है। चलो सांभार में डूब गया, कोकोनट चटनी टमाटर चटनी फिर तिल का, इस पर और एक बार यहाँ पे देखो तो सब वेजिटेबल क्या क्या डाला है, कैरेट बीन्स सब कुछ डाला है सांभार में। वेजिटेबल से नफरत है लेकिन खाने से नफरत बिल्कुल भी नहीं। वो तो ना बचपन का याद है, बचपन में यहीं पे आके खाते थे पप्पा हम लोग सब, यहीं पे आके रोज खाने का नाश्ता, यही हम लोग को फिक्स था। वापस आके नाश्ता करो तो कितना मज़ा आ रहा है खाने में। चलो अब ये भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं कैसा ही करके। बेचारे भाई लोग, उनको खाने भी नहीं दे रहा, उनका प्लेट में से मैं निकल के खाऊँ। हाँ पर सांभार, अगेन चटनी, अगेन टमाटर चटनी, फिर एक पाउडर। तीनों एकदम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अभी वड़ा भी ले लेते हैं, उन डर करो अणु बोल दो चलना ஏன்னா கார் உடையங்க ஊர் உளுந்து வட வச்சுருங்க. சலோ வடா பி ஆகிய வடா பி காத்தே ஏ நாய் கொய் டால்கா வடா ஏ நாய் கொச் மெது வடா ஏ டிஃப்ரெண்ட் டைப் வடா சிப் யீ பே மில்த்த இஸ்கோ போல்த்த கார வடா ஜோ ஸ்பைசி வடா போலா ஜாத்த ஸோ இஸ்கோ பி ஆப் மஸ்த் ஏச நிகால் கி சாம்பார் சட்னி கே சாத் மிலா கே एक्चुअली जब इडली लिया था उसका साथ साथ ले लेना चाहिए था, भूल गया था। जब उन्होंने आके सामने से बोले भाई वड़ा ले लो करके, तभी याद आया कि हाँ वड़ा भी ऐसा कुछ चीज़ लेना चाहिए था। चलो पापा मम्मी के लिए पार्सल भी ले लिया है, अभी यहाँ से जाते हैं घर पे। और मेन चीज़ दुकान के बारे में तो आपको मैंने बोला नहीं, दुकान ऑलमोस्ट 50 साल से दुकान यहीं पे और यही टेस्टी टेस्टी बनाते जा रहे हैं। और आप लोग आज का मेरा आउटलुक देखा नहीं है, देखो ये चीज़ है ना गाँव में, उधर मुंबई में पहनेगा तो ऐसा लगता है कि ये सिंपल से, लेकिन यहाँ पर जब पहनते तभी लगता है कि भाई ये नॉर्मल है करके। अभी ये माइक क्यों लगा ये तो आप इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो रोड के जस्ट सामने तो आवाज़ नॉइज़ बहुत है यहाँ पर, तो वो नहीं आना चाहिए, उसके वजह से मैंने माइक लगाया है। तो यहाँ से अभी जाते हैं घर पे और अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करो। बाय बाय।